नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम पूर्वोत्तर रेलवे को एक साथ 200 गाड़ी देंगे। गोरखपुर लखनऊ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के साथ ही 650 करोड़ की लागत से गोरखपुर जंक्शन ने पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले सीएम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शिव महापुराण के आर्ट पेपर पर प्रकाशित रंगीन चित्र में विशिष्ट अंक का विमोचन भी करेंगे। पीएम 100 मिनट तक शहर में रहेंगे। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 7 दिसंबर 2021 को पीएम गोरखपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने AIIMS की सौगात दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से लगभग 8 महीने पहले पीएम गोरखपुर आ रहे हैं। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। शहर के कई मार्गों पर वाहनों को प्रतिबंधित और परिवर्तित किया गया है। गोरखपुर में पीएम का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी करेंगे। पीएम के स्वागत से पहले इसकी तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और कार्यक्रम स्थलों पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने इस दौरान अफसरों को निर्देशित किया है कि समारोह को भव्य और यादगार और ऐतिहासिक बनाने में सभी को पूरे मनोयोग से जुटना है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारी पूर्ण कर ली गई है। गोरखपुर एयरपोर्ट से गीता प्रेस के बीच कुल 68 पॉइंट बनाए गए हैं। हर पॉइंट पर जिला व महानगर इकाई के 3 से 4 प्रमुख पदाधिकारी लगभग 500 लोगों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट के लिए वापसी पर भी पीएम का भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।